मैडम आराम से, मैडम आराम से, मैडम आराम से, आराम से, आराम से आइए, आराम से आइए, बोला आइए 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 आइए, आराम से आइए, हाँ यही यही, आराम से आइए, आराम से आइए, हाँ आइए आइए, आस्ते आस्ते आइए, चलो आराम से एकदम आराम से आइए, आराम से बात क्या बात है, क्या बात है, मैम सामने देखिए, लुक हियर चलिए आइए, एक सेकंड होल्ड ऑन, एक ले लो थोड़ा, ले लो, यस, क्या बात, क्या बात, क्या बात, कटिंग आइए आइए अंदर आइए थोड़ा, वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड मैडम आप एक बार हाथ लगाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए आप आइए ना पोस्ट के लिए खाली थोड़ा, हाँ थोड़ा यहाँ देखिए, लुक हियर दीजिए, अरे एक मिनट मैडम, मैडम मैडम अरे बेटा यहाँ देखिए, लुक दीजिए, यहाँ लुक दीजिए मैम, मिल गया सबको, ताकि मैं मिला ना आपको, देखिए एक मिनट यहाँ देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए आप लोगों ने, ये ऑफिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले ये बताइए, आई एम सो हैप्पी कि अभी तक म्यूज़िक कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी, अभी उसको एक जगह मिल गई है, सो रियली आई एम सो हैप्पी आई थिंक सो। और थोड़ा सा अगर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं हमें। या प्रोजेक्ट्स बहुत सारी म्यूज़िक एल्बम्स कमिंग एंड बहुत सारी आगे पता चल जाएगा धीरे धीरे एंड मैं सबसे पहले पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशन मैक जी और आपके साथ जो आपके पार्टनर उनको, बस यही है कि ऊपर वाले इनको नवाजे, जैसे जैसे लोग आगे तरक्की करते हैं ये भी ऐसी तरक्की करें, है ना। म्यूज़िक कंपनी का एक आज की डेट में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना म्यूज़िक के कुछ नहीं बनता, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो OTT पे हो, कुछ भी हो, म्यूज़िक का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। सो मैं चाहता हूँ कि महक जी बहुत अच्छे एल्बम्स बनाए, आगे बढ़े और सबको साथ लेके चले। महक जी कोई प्लान है नाजिम के साथ काम करने का, क्योंकि टीवी का एक जाना माना चेहरा है नाजिम, कोई प्लान है या फिर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, जो पोस्टर लगा हुआ है कमिंग सून डार्लिंग, सो वो उसके हीरो हैं, एक्टर हैं, ये तो सरप्राइज है एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता था, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आज हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारी कंपनी लॉन्च हो रही है तो प्लीज़ काम, तो मैं
आ गया हूँ और मुझे नहीं पता इस चीज़ का, सीरियसली थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, सो लेट्स सी। सी मोटो मेरा है कि जो नए टैलेंट हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, जो लिरिक्स राइटर हैं, जो सिंगर हैं, जो कंपोजर हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी म्यूज़िक कंपनी का वही मोटो है कि उनको काम दे पाएँ, एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, उनके टैलेंट को दुनिया के सामने ला पाएँ, तो ये हमारी कंपनी का मोटो है। That's good. नाजिम के ये म्यूजिक कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो नए लोग हैं उसको बहुत कम मौका मिल पाता है, जैसे आप लोग आपने सुना होगा कि नेपोटिज्म भी बहुत चल रहा है, लेकिन जस्ट चेंज द टॉपिक, नेपोटिज्म तो चेंज छोड़ देते हैं अभी, उसके आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हुई चीज़ को लेके। जैसे मैक ने बोला अभी कि नए टैलेंट को काम देंगे, चाहे वो राइटर हो या वो सिंगर्स हो या वो म्यूज़िक में हो कुछ, तो इंशाल्लाह अगर मैक जी बोल रही हैं उनकी खुद की कंपनी है और खुद के साथ में लोग, उनकी पूरी टीम है, तो मैं बस यही चाहूँगा जैसी उनकी इच्छा है और जैसे उनके इरादे ऊपर वाले, उनको सबको पूरा करें, है ना, क्योंकि टैलेंट हर जगह भरा पड़ा है, हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह पर टैलेंट है। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम कहीं जाके नए टैलेंट को नई दिशा में लेके जाते हैं तो हम सबका उसमें योगदान होना चाहिए, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो मैं। और मैं जी आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने म्यूजिक वीडियोस लॉन्च किए उसको लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तेरी दीवानी टू, तेरी दीवानी फर्स्ट सेकेंड का, एंड उसके सिंगर अमित गुप्ता, एंड रियली काफ़ी मिलियंस क्रॉसेस, एंड लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत व्यू एंड कमेंट्स एंड लाइक्स, आई एम रियली हैप्पी, और ऐसे ही लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहे तो डेफिनेटली आई विल डू माय बेस्ट। म्यूजिक की अगर बात करें, कौन से जॉनर के गाने आएंगे इस म्यूजिक कंपनी से? सारे जॉनर के गाने जो पब्लिक पसंद करती है, जो पब्लिक को हम एंटरटेनमेंट कर पाएँ, मे भी सारे जॉनर्स के गाने। इन दिनों जो है लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं म्यूजिक वीडियो में, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे हमें इन्फ्लुएंसर्स जैसे नाजिम है, नाजिम भी टीवी का एक बड़ा चेहरा, क्या इनके जैसे और भी एक्टर्स देखने मिलेंगे म्यूजिक वीडियोज में? तुम साथ में मिलके रहो, देखो आपके इतने सारे चेहरे मिलेंगे तुम्हें देखने को। डेफिनेटली हम सबके साथ में जुड़ के काम करना चाहेंगे। नाजिम, साथ निभाना साथिया को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, क्या आपको लगा था कि जो सेकंड पार्ट है उसको इतना प्यार मिलेगा लोगों का? प्यार तो मिल ही रहा है, बट फिलहाल हम यहाँ पे म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो हम म्यूजिक की बात करते हैं भाई, क्योंकि अभी टीवी का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हम आगे बढ़े, और मैं बस यही कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ मैं को, पूरी टीम को, कि हम आगे बढ़े, काम करें, है ना, सब मिलजुल के रहें, तो बेस्ट है इसलिए। और मैक जी, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे आपने कहा कि नाजिम का तो एक गाना आ ही रहा है, साथ ही और कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लाइनअप है? अगर नहीं, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन, वो मैं बताऊंगा भाई कितने गानों के इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी एक गाने का हुआ, चार गानों का हुआ। मुझे तो हर जॉनर के गाने पसंद है यार, मुझे तो अलग मिड सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक हो, और थोड़े से बोल्ड भी हो, वो भी चलेगा। चॉइस अच्छा, चॉइस मैं साथ में बैठी है। या डेफिनेटली। अच्छा, एक ये जरा अलग सवाल है यहाँ से, सब दुख की बात है, कल हमारे केके जी ने मुझे देखा, बारे में कुछ कहेंगे मैं आप और मैं यार? कल रात केके जी नहीं रहे, और हमारे एक पंजाब के बहुत मशहूर सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, आई एम रियली डाई हार्ट फैन, और सीरियसली बताऊँ मतलब ये दिनों में, मतलब कि मैं पिछले 4-5 दिन से, विद इन 3-4 दिन से जब से उनका हुआ है ना, ट्रस्ट मी, इतना बड़ा झटका म्यूज़िक इंडस्ट्री को, हमारी पंजाब को जो लगा है ना, किसी को नहीं लगा, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी शिद्दत के साथ और अपने बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की मिन्नतें करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा होता है, चाहे वो केके हो जो आज नहीं हमारे साथ, या फिर सिद्धू मूसेवाला हो, ये वो नाम है जो जब तक आई थिंक, मुझे लगता है म्यूजिक रहेगा ना, तो इनका नाम हमेशा लिया जाएगा। और लास्टली कुछ कहना चाहेंगे मैक जी, ऑडियंस जो आपको देख रही है उनके लिए? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सबका, जो इतना प्यार दे रहे हैं मेरे लास्ट गाने को, तेरी दीवानी टू को बहुत प्यार दिया सबने, और काफ़ी सुपर हिट गया है गाना,
और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जुड़े रहें म्यूज़िक कंपनी के साथ और अपना ऐसे सपोर्ट और प्यार देते रहें, हम लोग आपका ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। सो शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस ऑफिस के बारे में कुछ बताइए हमारे। ये बेसिकली जो पिछले चार गाने हमने किए करने के बाद जो हमें रिस्पांस मिला ऑडियंस का, तो हमें ऐसा लगा कि हमें इसे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर फुल फ्लेज एक ऑफिस लिया है जहाँ से हम नए टैलेंट को मौका दे सकते हैं। और लाइन में अभी तीन गाने हैं हमारे जिसके लिए हमारा काम चल रहा है जोर से। एक्सपीरियंस के बारे में, चार गाने हो चुके हैं और अब जब हमने एक स्टेप आगे बढ़ के जब ऑफिस लिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना अच्छा कोलैबोरेशन हो चुका है। और सर, आने वाले समय में कौन से जॉनर के गाने, कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स शेयर करना चाहेंगे? अभी अपकमिंग में हमने ऑलरेडी एक गाना, हरियाणवी गाना रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत बेहतरीन सा गाना है, लोगों को शायद बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। इट्स ए बेजिकन से सैड सॉन्ग, बट उसके अगर लिरिक्स सुनोगे, अगर म्यूजिक सुनोगे तो आपको नाचने का मूड हो जाएगा, जबकि गाना सैड है। एनीबडी एंड एवरीबडी रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, इसमें लिरिक राइटर हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है, तुम्हारा कोरियोग्राफर हो सकता है, एक्टर्स हो सकते हैं। पहल तो भाई उन्होंने कर दी है, अभी तो आगे काम दिखाना है। अच्छा, वो आप तक पहुंचे? देखो, हमने तो इंजन चालू कर दी, जिसको अपनी ट्रेन में आना है हमारी ट्रेन में जुड़ सकता है। अभी वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, आज तो हमने ऑफिस लॉन्च किया, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं म्यूजिक बॉक्स को, महक जी को, संतोष जी को और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और नहीं, मुझे नहीं, इनकी कंपनी है सर, मैं तो आपके साथ ही हमारे साथ ही हैं फिर भी। और म्यूजिक बॉक्स ऐसे ही बस हमेशा हमेशा के लिए महकता रहे और अच्छे संगीत को प्रमोट करता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका भी कुछ आने वाला? मेरा गाना अभी महक जी के साथ में, एक संतोष जी के साथ में पहला गाना है जो डार्लिंग करके, डार्लिंग कमिंग, तो डार्लिंग हमारा वो बहुत जल्दी आ रहा है। yes. और उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और कमाल करेगा वो गाना। कुछ हो जाए सर अगर? हाँ, कुछ एक लाइन बोले सर। अभी कर इतना वो लीक आउट कर नहीं करना चाहते, मेरे वैसे जो रिलीज हो चुके गाने हैं वो मैं सुना देता हूँ, क्योंकि जब ये डार्लिंग आएगा प्रॉपर अभी तो अच्छे से उसको लॉन्च करेंगे। मेरा गाना वो मैं सुना देता हूँ, चन्ना वे। चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, तेरियां उड़िका विच मुक चले साजा, ततड़ी दे रोग मुका जावे। चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे। मेरे जैसे मान लो कि चन्ना भी मेरा इतना बड़ा हिट हुआ था गाना, और भी मेरे गाने बहुत सारे हिट हुए, तो उम्मीद करते हैं कि महक जी के साथ में ऐसे अच्छे अच्छे गाने और लेके आए, कामना करते हैं। संतोष जी, एक दुर्घटना हुई हमारे कल भी, भाई संजय जी नहीं रहे, पंजाबी सिंगर हमारे, उसका कुछ कहेंगे? मैं मूसेवाला जी के गाने सुनता था, के सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े भाई जैसे हैं वे। और ये बहुत बड़ी क्षति है एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, और अचानक उनका चला जाना क्या कारण था मुझे नहीं पता। और मूसेवाला जी का अचानक मर्डर कर दिया गया, और पंजाब को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, इतने सारे वेपन्स वहाँ पे लोग लिए फिरते हैं, ये कहीं ना कहीं कोर्ट को और गवर्नमेंट को उसमें बड़े फैसले लेने चाहिए, मैं यही कहूँगा। और अपने गानों के अंदर भी जितना ड्रग्स है, वेपन्स हैं, इन लोगों को प्रमोट करते हैं जो लोग, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। संतोष जी, लास्ट में क्या आपसे कहेंगे लोगों से, जनता से क्या कुछ कहेंगे? संतोष जी, आपसे जी, आपसे संतोष से बात जी, संतोष जी, ये संतोष है सर, ये बस हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह अभी तक हमें सपोर्ट किया है लोगों ने, ऑडियंस ने जैसे गाने को अप्रिशिएट किया है, आगे भी वो करें। हम अच्छे अच्छे गाने उन्हें पेश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, दिन बर दिन अच्छे टैलेंट से जुड़ रहे हैं, बिकॉज डेली वी आर ग्रोइंग, सो अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं हम
आगे जाके लोगों को बेहतरीन गाने थे। महक जी को आज ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है इंडस्ट्री के लिए कि एक अच्छी नई म्यूजिक कंपनी और एक ऑफिस का ओपनिंग हुआ, और इस ऑफिस की ओपनिंग में अब यहाँ पे कितने म्यूजिक वीडियो है या वेब सीरीज है अच्छे काम होंगे, हम सबको कहीं कहीं बेनिफिट मिलता है। ऐसे नई चीज़ें जब ओपन होती हैं और अपने दोस्त यार अच्छा काम करते हैं तो हम सब उनको सपोर्ट करते हैं। बस यही चाहूँगा कि एक अच्छा यहाँ से काम स्टार्ट हो और हम सबको एक अच्छे जो है लेवल पे काम मिले, म्यूजिक मिले, अच्छे लोगों को काम मिले, बिल्कुल मिले। मैं सबसे पहले महक चौधरी को थैंक्स भी कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करने के लिए भी दिया था, मिलके ना मिले, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो वो बना। और महक जो है मुझे एज आर्टिस्ट जो है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एज़ आर्टिस्ट उनका जो जो इमोशंस वो कैप्चर करती हैं, जो इमोशंस को वो जो कनेक्ट करती हैं, उस इमोशंस की वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने उस म्यूज़िक वीडियो में भी अच्छा काम किया। और आगे जो हम काम करने वाले हैं उनके साथ, एक मिनी सीरीज़ एक वेब सीरीज़ भी करने वाले हैं, तो आई होप कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी और ग्रो करेंगी। और म्यूज़िक बॉक्स को भी मैं कांग्रेस कहना चाहूँगा अपनी तरफ। कार्ला जी अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं एक साथ काम कर रहे हैं और काम किया भी है इन्होंने, तो हम अच्छा काम चलेगा हम। Okay.